तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शहर में रहते हैं लेकिन काम की वजह से गांव में नहीं आ सकते, वो गांव की सैर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो अब मैं आया हुआ हूँ गांव की सैर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर व्लॉगर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल आमिर व्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल आमिर व्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैं आया हूँ गांव के खेत की तरफ। तो ये देखें, चारों तरफ खेत ही नज़र आएंगे आपको। ये देखें, ये आपको जो कमरा नज़र आ रहा है ये ट्यूबवेल का कमरा है बड़ा, तो इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे। ये है गांव का कुछ सीन इस तरह। ये देखें, तो ये देखें मैं इधर आया हुआ हूँ और वो कुछ दूरी पर आपको आबादी नज़र आ रही होगी। ये देखें इधर, लेकिन मैं अपने घर से बहुत दूर आ रहा हूँ, इतना भी दूर नहीं लेकिन कुछ फासला है ज़रूर। तो ये देखें, ये देखें, ये क्या है? काफ़ी लोग सोचते होंगे जो शहरों में रहते होंगे, उन्हें पता नहीं होता कि ये क्या होता है। ये भाई जब वो आता है गंदम का, गंदम की फसल की कटाई हो जाती है तो फिर जब वो थ्रेशर लगती है ना, वो थ्रेशर, तो दाने एक साइड पे आते हैं और ये वाली चीज़ एक साइड पे आती है, ये वाली, तो ये निकलती है। तो इसको लोग स्टोर करके रख लेते हैं, तो जब सर्दियाँ आती हैं ना तो ये जानवरों को चारे के साथ दिया जाता है, क्योंकि ये गर्म होता है तो जानवर इसे बीमार नहीं होते, तो ये गर्म होता है इसलिए इन्हें दिया जाता है जानवरों को। ये बहुत से आंकड़े पहला तो आपने देख लिया, आगे भी जितने मेरी नज़र में आ रहे हैं तीन आगे आंकड़े, लेकिन हैं बहुत दूर। ये देखें, ये एक छोटा सा खाल है पड़ा, ये देखें छोटा सा, तो अब चलते हैं वापस। जिन्हीं पाँव से मैं आया था उन्हीं पाँव से मैं जा रहा हूँ वापस। तो ये देखें, चलते हैं। हवा भी चल रही है, ठंडी हवा बड़ी तेज़ चल रही है हवा भी। तो ये तब हवा तब महसूस होती है कि जब ना मैं इधर आता हूँ ये खुली जगहों पर, जब होते हैं ना आबादी में या घर वगैरह, इतनी नहीं हवा होती, जब जब भी इधर आए ना फसलों की तरफ तो बहुत हवा होती है हवा। तो ये देखें, ये सरसों के पौधे जिससे हम सरसों का तेल भी हासिल करते हैं, ये है पड़े वो, इन्हें पहले काट कर तो फिर सुखाया जाता है, पता नहीं मुझे नहीं पता, पक्का नहीं पता, लेकिन लगता ऐसे है कि सुखाया जाता है, इन्हें धूप पर रखा जाता है। मुझे ऐसे लगता है, पक्का नहीं पता। तो ये वो ट्यूबवेल आ चुकी है,
अब आपको मैं चल के टूवेल भी दिखाता हूँ। तो ये दिखाते हुए ये भी डर लग रहा है कि क्योंकि ये इतनी आबादी वाली जगह नहीं है, तो इस पर इसमें सांप भी हो सकते हैं और नेवले वगैरह वो भी हो सकते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर जा तो रहा हूँ। ये है हमारी बस्ती का एक बाग आम का, जिसमें बड़े बड़े दरख्त हैं। तो ये मैं करीब आ चुका हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कुआं कितना गहरा है पड़ा, तो आप खुद ही देख लें। ये देख लें, ये इसका कुआं इतना गहरा है पड़ा। तो ये इसका ये है पड़ा। तो अब मैं जा रहा हूँ इधर, ये खजूर का है पड़ा, इसे खजूर हमें हासिल होती है। तो ये खाल है इस टूवेल का, MRS। तो ये देखें, ये है पड़ा, ये माल, ये है पड़ा, ये पता ना, ये है पड़ा पौधा माल्टों का, माल्टों का पौधा है पड़ा। तो इसमें वो भी हैं, फलशों के पौधे भी हैं पड़े, आम के भी पौधे हैं। ये छोटा सा ये जो है पड़ा, ये पौधा, ये फलशों का है पड़ा, नहीं ये फालशों का नहीं, एक मिनट, ये पौधा फालशों का नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पड़ा पौधा, वो फालशों वाला, ये छोटा सा आंब है। ये है पड़ा एक सूखा हुआ है, ये है पड़ा वो फालशों का पौधा। ये जम्मू का पौधा है, ये नीम का है, ये जम्मू, और ये आम का, ये इसका खाल है पड़ा। ये इतना तो पुख्ता खाल है इतना, और वो वाला थोड़ा सा, बाकी ये सारा कच्चा है पड़ा। ये देखें, ये साग है, ये वाली फसल साग की है, ये आगे से कच्चा खाल है, खाल, ये साग है। और आगे भी चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दरख्त बड़े बड़े, ये भी जम्मू का दरख्त है, ये वाला जो आपके सामने नया पड़ा, आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जम्मू का दरख्त है। और ये देखें, ये भी साग है, और ये है लहसुन, ये लहसुन है पड़ा, लहसुन, ये उसके छोटे से है पड़ी फसल। और ये राया है शायद। तो ये देखें, ये छोटा सा नीम का है पौधा है, ये और फालशे का, ये जम्मू का। तो ये देखें, इसकी एक पिक्चर ली है मैंने, ये देखें, ये मैं बाग की दूसरी साइड में आ चुका हूँ। ये देखें, ये है पूरी, ये देखें फसल, ये सारी फसल प्याज की है पड़ी, ये सारी जितनी भी आपको नजर आ रही है, ये सारी फसल ना प्याज की फसल है पड़ी। तो ये देखें, तो अब मैं जा रहा हूँ घर। घर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल को का कुछ काम कराना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ।
तो बाकी की वीडियो बाद में। मैं अब आ गया हूँ दुकान पर, मोटरसाइकिल का काम भी करा लिया। मैंने कहा भी था कि बाद की वीडियो, अगली वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन वो अब टाइम नहीं है, तो इसलिए वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना, मेरे यानी कि मेरा मतलब है मेरे यूट्यूब चैनल अमर लकर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।